हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज 21 जुलाई है और 21 जुलाई को भारत में प्रसिद्ध एक गायिका जिनका नाम गंगूबाई हंगल है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। जी हां दोस्तों, मैं यदुनंदन शर्मा और आज हम जानेंगे गंगूबाई हंगल के बारे में, जिन्होंने आधी से भी ज़्यादा सदी के लिए भारत में शास्त्रीय गायन में अपना योगदान दिया। जी हां दोस्तों, शास्त्रीय गायन में कर्नाटक से बिलोंग करने वाली गंगूबाई हंगल, जिन्होंने अपने जीवन का आधे से भी ज़्यादा समय शास्त्रीय गायन में दिया। आज हम जानेंगे उन्हीं के बारे में संपूर्ण जीवनी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन साथ में दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे और जानते हैं किस प्रकार आपदाओं विपदाओं का सामना करते हुए गंगूबाई हंगल ने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया। जी हाँ दोस्तों, गंगूबाई हंगल के बारे में आज की ये प्रस्तुति। गंगूबाई हंगल भारत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली गंगूबाई हंगल ने जातीय बाधाओं को पार कर संगीत क्षेत्र में आधे से भी अधिक समय तक अपना योगदान दिया। उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में देश को कई नामी गिरामी नाम दिए। इनमें भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, पंचाक्षरी गवई पंडित पुत्तू राजू गवई, पंडित सवई गंधर्व तथा पंडित कुमार गंधर्व शामिल है। गंगूबाई का जन्म 5 मार्च 1913 को कर्नाटक के धारवाड़ शहर में एक देवदासी परिवार में हुआ। उनके पिता चिक्कू राव नादिगर एक कृषक थे तथा मां अंबाबाई कर्नाटक शैली की शास्त्रीय गायिका थी। बचपन में वह धारवाड़ के शुक्रवर पीठ नामक जगह में रहते थे, जो मूलतः एक ब्राह्मण प्रधान क्षेत्र था। 1928 में उनकी प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने पर उनका परिवार हुबली शहर में रहने लगे, जहां के कृष्णाचार्य संगीत अकादमी में उनकी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रारंभ हुई। गंगूबाई 1929 में 16 वर्ष की आयु में देवदासी परंपरा के अंतर्गत अपने यजमान गुरुराव कोलगी के साथ बंधन में बंध गई, परंतु गुरुराव का साथ उनके भाग्य में अधिक समय के लिए न रहा। 4 बाद ही गुरुराव की मृत्यु हो गई तथा वे अपने पीछे गंगूबाई के साथ 2 और 1 छोड़ गए। उन्हें कभी अपने गहने तो कभी घर के बर्तन तक बेचकर अपने बच्चों का लालन पालन करना पड़ा। गंगूबाई ने संगीत के प्रति जन्मजात लगाव था और यह उस वक्त दिखाई पड़ता था जब अपने बचपन के दिनों में वह ग्रामोफोन सुनने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ती थी और उस आवाज की नकल करने की कोशिश करती थी। अपनी बेटी में संगीत की प्रतिभा को देखकर गंगूबाई की संगीतज्ञ माँ ने कर्नाटक संगीत के प्रति अपने लगाव को दूर रख दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी संगीत क्षेत्र के एच कृष्णाचार्य जैसे दिग्गज और किराना उस्ताद सवाई गंधर्व से सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखे। गंगूबाई ने अपने गुरु सवाई गंधर्व की शिक्षाओं के बारे में एक बार कहा था कि मेरे गुरुजी ने यह सिखाया कि जिस तरह से एक कंजूस अपने पैसों के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह सुर का इस्तेमाल करो ताकि श्रोता राग की हर बारीकी के महत्व को समझ सके। संगीत के प्रति गंगूबाई का इतना लगाव था कि कंदगोल स्थित अपने गुरु के घर तक पहुंचने के लिए वह 30 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से पूरी करती थी और इसके आगे पैदल ही जाती थी। यहां उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी के साथ संगीत की शिक्षा ली। किराना घराने की परंपरा को बरकरार रखने वाली गंगूबाई इस घराने और इससे जुड़ी शैली की शुद्धता के साथ किसी तरह का समझौता किए जाने के पक्ष में नहीं थी।
गंगूबाई को भैरव, असावरी, तोड़ी, भीम पलासी, पुरिया, धनश्री, मारवा, केदार और चंद्रकौश रागों की गायकी के लिए सबसे अधिक वाही वाही मिली। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं रागों में धीरे धीरे आगे बढ़ाने और इसे धीरे धीरे खोलने की हिमायती हूँ, ताकि श्रोता उत्सुकता से अगले चरण का इंतजार करे। गंगूबाई ने कभी हार नहीं मानी तथा अपनी संगीत के पथ पर अटल रहकर अपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों में जगह बनाई। वर्ष 1945 तक उन्होंने ख्याल, भजन, ठुमरिया पर आधारित देश भर के अलग अलग शहरों में कई सार्वजनिक प्रस्तुतियां दी। वे ऑल इंडिया रेडियो में भी एक नियमित आवाज देती थी। इसके अतिरिक्त गंगूबाई भारत के कई उत्सवों महोत्सवों में गायन के लिए बुलाई जाती थी। खासकर मुंबई के गणेशोत्सव में तो वे विशेष रुचि लेती थी। 1945 के पश्चात उन्होंने उपशास्त्रीय शैली में गाना बंद कर केवल शुद्ध शास्त्रीय शैली में रागों को ही गाना जारी रखा। वर्ष 2006 में उन्होंने अपने संगीत के सफर की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए अपनी अंतिम सार्वजनिक प्रस्तुति दी तथा 21 जुलाई 2009 को 96 वर्ष की आयु में वे हृदय का दौरा पड़ने से अनंत में विलीन हो गई। उनके निधन के साथ संगीत जगत ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस युग को दूर जाते हुए देखा जिन्होंने शुद्धता के साथ अपना संबंध बनाया था, और यह मान्यता है कि संगीत ईश्वर के साथ अंतर संवाद है जो हर बाधा को पार कर जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कैसी लगी ये जीवनी, कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपके जो लाइक्स हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि आपको ये जानकारियाँ बहुत ही अच्छी लग रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन साथ में दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।